आज है वेडनेसडे और सुबह सुबह मिष्टू एकदम यूनिफॉर्म पहन के रेडी है। तो लकीली मिष्टू का एक यूनिफॉर्म हो रहा है, नहीं तो उनको बोला है कि लेगिंग्स और टी शर्ट पे भी जाएंगे तो चलेगा। तो मिष्टू एकदम रेडी है अपने रिबन हेयर को सबको टाई करके। मिष्टू का ब्रेकफास्ट हो गया है, मिष्टू ने रोटी और सब्जी खाया, बहुत एक्साइटेड हूं। हाँ वो ना सारा बहुत सुबह उठी है, उसको शायद नींद ही नहीं आ रहा है, रात में नींद ही नहीं आ रहा है। रुकते हैं तो अभी मैं और दोनों उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट दिन है बोल के जा रही हूँ और कल भी स्कूल है, फिर ऑनलाइन क्लास है। वेडनेसडे एंड थर्सडे दो दिन क्लास है मिष्टू का। तो मिष्टू बहुत ज्यादा खुश है एकदम। तो वही सैनिटाइजर वो सब बैग में दे दिया है, फिर डबल मास्क टिफिन बैग वो सब रेडी है। अभी मिष्टू को वही बोला है कि तुम समझदार हो, समझ के रहना और फ्रेंड्स के साथ बात करना, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। और सैनिटाइजर दे दिया है, और टीचर्स तो है ही क्लास में बच्चों को गाइड करने के लिए, क्योंकि टीचर्स प्रिंसिपल जब स्कूल ओपन कर रहे हैं तो उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बच्चों के लिए। 8:10 हो गया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। मिष्टू का 3 बजे तक क्लास है, मतलब जैसे पूरा फुल स्कूल होता है वैसा है। मिष्टू सॉक्स वॉक्स सब पहन के, हाँ मास्क ले लो, पहन लो यहीं से। उस दिन टीचर टीचर खेल रही थी वैसा। चलो मिष्टू, ये खुशी खुशी इसका खुशी का ठिकाना नहीं है। ব্যাগটা খুলে নিতে পারতিস না, বসে থাকবি ব্যাগ নিয়ে। আচ্ছা मिष्टु तो इतनी एक्साइटेड तभी भी नहीं थी जब वो फर्स्ट नर्सरी में स्कूल गई थी फर्स्ट टाइम। अभी तो बहुत ज्यादा खुश है। सिर्फ मिष्टु का क्यों, हर एक बच्चे का ये हालत होगा मुझे पता है। और तो रात में नींद ही नहीं आ रहा था सच में। लास्ट में आप लोगों से जब बात की तब 12 बज चुका था, तभी भी जाके देख रही हूँ हिल रही है, आँख खुला है। फिर सुबह भी कितना जल्दी उठ गई, लगभग 6:30 बजे ऐसे उठ गई। तो अच्छा है ना ये एक्साइटमेंट रहे। और कल फिर स्कूल जाना है, फिर सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे, फिर दोनों दिन ऑनलाइन होगा, फिर नेक्स्ट वीक जाना है। बट चलो 2 दिन तो मिलेगा स्कूल जाके क्लास करने में, पर ऐसे करते करते तो नया सेशन हो ही जाएगा, फिर तो शायद खोल ही देंगे स्कूल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। तो चलिए गणपति बप्पा मोरिया नाम लेके निकल जाते हैं, और मिष्टू अपना एक्सपीरियंस तो स्कूल से आके बताएगी। और मिष्टू चली गई अंदर, भाग के चली गई अंदर। मिष्टू को ड्रॉप कर दिया है, और मतलब उसकी एक फ्रेंड उसी टाइम पे आई, एकदम दौड़ के दोनों चले गए अंदर। वो शायद मतलब बस फैसिलिटी स्टार्ट नहीं किया है, जो जो बच्चे बस से आते हैं तो उनकी उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट पेरेंट्स पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं अभी। और लगभग हर स्टेट में अभी स्कूल खुल रहा है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ही स्कूल खुल गया है। मिष्टू का आज कल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का फ्राइडे सैटरडे है, ऐसे ऑल्टरनेट कर करके रखा है। और 6 से बच्चों को रोज है, मंडे टू सैटरडे रोज। और मिष्टू को 3 बजे छुट्टी होता है, उनका वो पुराना टाइम ही वैसा ही है, 3 बजे छुट्टी है। तो 3 बजे तो मैं आऊंगी लेने के लिए उसे। अनिरुद्ध भी चले गए ऑफिस, आने के बाद मैंने फटाफट उनका रोटी बना के उनको टिफिन पैक किया। अभी बज गए हैं 9:15, और आज मैं घर में बिल्कुल अकेले 3 बजे तक। घर ना पूरा सुना सुना लग रहा है, और श्रीदेवी जब आएगी काम करने वो भी ये बात बोलेगी, मुझे पता है कि भाभी उसको वो सोना बुलाती है, मिष्टू को सोना नहीं है घर पे, घर पूरा शांत है, क्योंकि श्रीदेवी को भी पता है कि मिष्टू कितना मतलब उछल कूद करती है। आप तो मतलब कैमरा के सामने थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है, बट रियली मिष्टू जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव बच्चा है। पहली बार मिष्टू स्कूल नहीं गई, नर्सरी से जा रही है, फिर LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड, 4 साल स्कूल गई है, बट 2 साल से नहीं गई ना, 2 साल 2.5 साल से। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक मिसिंग है, कुछ तो एक मिसिंग है।
तो ये शायद मैं माँ हूँ तो माँ का शायद ये नेचर ही होता है कि बच्चे जब तक साथ में रहते हैं बदमाशी करते हैं, कब स्कूल जाओगी, स्कूल खुले तो अच्छा है मुझे शांति मिले, ऐसा एक रहता है माओ का थॉट। और जब स्कूल खुल गया तो लग रहा है अरे ये घर खाली खाली, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल दो दिन के लिए भी हो तो खुला, क्योंकि शायद अभी ये ट्रायल कर रहे हैं उन लोग, क्योंकि अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होगा ना, तो अभी छोटे बच्चों को खोल के स्कूल खुल के ट्रायल करके देख रहे हैं स्कूल वाले कि अचानक से पूरा फ्लेज में खोल, फुल फ्लेज में खोल देंगे, बच्चे भी कंफर्टेबल है, कितना वो मैनेज कर पा रहे हैं मास्क ये सब के साथ, और टीचर को भी कितना मतलब हेल्प हो रहा है सब कुछ मैनेज करने के लिए। और किचन का हालत बहुत खराब है, सुबह सुबह पूरा देखिए किचन मेस एकदम फैला हुआ है। मैं अपने लिए भी कॉर्नफ्लेक्स लाई हूँ, कॉर्नफ्लेक्स बनाना दूध और कुछ खाने का मन, अभी अपने लिए फिर रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा है। जो बनाना या स्ट्रॉबेरी रहता है ना, मुझे कॉर्नफ्लेक्स खाना बहुत अच्छा लगता है। और संडे का वीडियो मैं पूरा कल एडिट करके रखी थी, बस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था तो इसलिए मैं वो वीडियो दे नहीं पाई, क्योंकि कल इवनिंग के बाद तो मैं कितना बिजी हो गई। ब्रेकफास्ट करते करते ये कर लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग का तो आज उतना झमेला नहीं है, करके वीडियो को पब्लिश करके भी नहाना भी है, मैं नहा ही नहीं हूँ। मिष्टू ये फोटो हमेशा अपने स्टडी टेबल पे ऐसे रखती है, हमेशा पहले से ही, उसको ये वाला जो पिक है ना वो बहुत पसंद है। ये हम जिस साल पुणे आए थे पहली बार मिष्टू के साथ, उस बार का दुर्गा पूजा का फोटो है। मेरी मिष्टू जी छोटी सी थी। आजकल के बच्चे हैं थर्ड स्टैंडर्ड पे, मतलब छोटे बच्चे हैं, बट सामान कितना है यहाँ पे, सब मिष्टू का फाइल, कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट, हम भी करते थे बहुत, बट आजकल कुछ ज्यादा ही है। सिर्फ मिष्टू के स्कूल के बोल के नहीं, हर एक आजकल हर एक बच्चे का, हर एक स्टैंडर्ड का। आप लोगों से बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, बहुत पहले मिष्टू से मुंबई मिष्टू आ रहा है, तो शावर लेके किचन का हालत तो आपने देखा ही था, सब क्लीन करके रख के जितने थे बर्तन सब निकाल के, और आज तो कुछ कुकिंग था ही नहीं, सिर्फ गरम करना है और खाना है। और श्रीदेवी भी आके काम करके चली गई, और श्रीदेवी ने भी वही एक ही बात बोला कि सोना नहीं है तो घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। पक्का 2 बज गए हैं, तो भाई टाइम जैसे बीती नहीं रहा ऐसा हो रहा है। और मैंने लंच नहीं किया है, अकेले लंच करना अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली, बात वही है। तो मैं ना बिस्किट खा रही हूँ अभी, निकलने से मैं 2 बिस्किट खा के पानी पी के निकलूंगी, उसके साथ आके फिर लंच करूंगी। तो ये एक पोटैटोज ये बिस्किट, तो ये ना मतलब टीवी में बहुत ऐड दे रहा था बीच में, तो मैं देखी तो मैं लाई उस दिन डीमार्ट से। तो ये बिस्किट ऐसा है, मतलब टेस्ट चिप जैसा है, देखने में बिस्किट एकदम पतला थिन ऐसा है, लेकिन टेस्ट अच्छा है, एकदम चिप्स जैसा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये ब्रिटानिया का 50-50 पोटैटोज एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं यार मिष्टू ना उस एड की तरह झगड़ा करते, मैं बोलती हूँ अरे ये तो बिस्किट है, मिष्टू बोलती है अरे ये तो चिप्स है। 2:30 बज गया है और मेरे जाने का टाइम हो गया है। मिष्टू का स्कूल हमारे घर से 3 किलोमीटर्स है। मैं आ गई हूँ मिष्टू के स्कूल, बट अभी तक छुट्टी हुआ नहीं है। और ये देखिए कौन आ गया, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। मिष्टू के स्टोरीज थोड़े थोड़े आप लोगों को भी सुनाऊंगी घर जाके। तो माँ बेटी घर आ गए हैं, घर नहीं आना था। मिष्टू आके ही बोल रही है मम्मा तुमने खाना क्यों नहीं खाया, खा लेना चाहिए था और कल तुम खा लेना। तो पहले बताओ कैसा मजा आया? आज हमने डॉज बॉल और खेला। और पढ़ाई कैसे हुआ? अच्छा। और मिष्टू बोल रही है लगभग सभी स्टूडेंट्स आए थे क्लास में, उसमें से 2 तो मैं तो तीनों को ही जानती हूँ पर्सनली, तो 2 तो आउट ऑफ स्टेशन है और 1 उसकी मम्मी भेजेगी नहीं।
पौने चार बज गया है तो हम लोग फटाफट लंच कर लेते हैं। मिट्टू चलो फ्रेश हो जाओ, इतना गर्मी है ना, आके मैंने फैन ऑन किया। चलो चलो चलो। खा लेती हूँ, बहुत जोर से भूख लग गई है। तो अभी 4 बज गया है, तो चलिए हर दिन ऐसा ही होना चाहिए। खाना कितने बजे खाया, 4 बजे 5 बजे, वो बड़ी बात नहीं है। बच्चे जो खिलखिला के स्कूल जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है ना। मिष्टू तो बोल रही है कि सब बच्चे आए थे सिर्फ 3 जन को छोड़ के। इसका मतलब है हर एक बच्चे का हालत सेम है, वो सब स्कूल जाना चाहते हैं। और मैंने कहा वो 3 बजे उठ गई, नींद टूट गया। मतलब उसकी एक फ्रेंड है सानवी, उस बोल रही है 3 बजे उसका नींद टूट गया। तो मिष्टू का भी 6:30 बजे नींद टूट गया, 6:15 बजे। तो वही है, तो चलिए आज इस वीडियो को भी पेंट करते हैं। अभी माँ बेटी दोनों गप्पे लड़ाते लड़ाते लंच करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। खाना सामने रख के और बात नहीं करते, अभी खा लेते हैं, उससे पहले वीडियो को भी यही पेंट करते हैं। खाना गुस्सा करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।